हेलो दोस्तों, माय हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि हम इसमें इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है यूनान की इतिहास लेखन परंपरा। और इसमें हम जानेंगे कि इतिहास लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई, कब की, किसने की, और उसने अपने इतिहास लेखन में किस किस विषय को शामिल किया, इन सब की जानकारी जो है इसमें हमें मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इतिहास लेखन परंपरा का आरंभ यूनानियों द्वारा किया गया। उन्होंने ये सबसे पहले वास्तविक इतिहास लेखन की कला सीखी, उसके उद्देश्यों, उसके कार्यों और इसके नियमों को बतलाया। यूनान के हीरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास लेखन के क्षेत्र में यूनानियों का योगदान सराहनीय है। प्राचीन यूनान में अतीत की सुरक्षा के प्रयास साहित्यिक कृतियों में दृष्टिगोचर होते हैं। यूनान के प्रारंभिक लेखकों का ध्यान समकालीन लेखन पर ही था, परंतु समय बीतने के साथ साथ यूनानी इतिहास लेखन परिपक्व होता गया। प्राचीन यूनानी अपने परिवार के पूर्वजों को आस्था और सम्मान प्रदान करते थे। अपने पूर्वजों की स्मृति और वंशावली को सहेजने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी कृतियों की रचना की। इनकी कृतियों में भूगोल, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र संबंधी जानकारी भी समाहित है, किंतु विद्वान शाटवेल ने यूनानी कृतियों की आलोचना की है और कहा है कि इन्होंने इतिहास का मार्ग अवरुद्ध कर दिया तथा इनमें इतनी अधिक काल्पनिक सामग्री है कि इनमें यथार्थ कल्पना और लोक रुचि का पता लगाना बहुत कठिन है। यूनान में इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप वीर गाथा के रूप में दिखाई देता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले वीरों की स्तुति में लिखे गए गीत अतीत का विवरण प्रस्तुत करने के आरंभिक प्रयास माने जाते हैं। होमर नामक काव्यकार ने इन गीतों को संकलित करके लिखित रूप दिया। होमर द्वारा रचित कविताओं में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। आधुनिक इतिहासकार होमर की कृतियों को वास्तविक इतिहास नहीं मानते। उनके अनुसार यह कविताएं लोक गीतों पर आधारित है और दीर्घ काल तक लोक में प्रचलित रहने के कारण इनमें विभिन्न कालों की जानकारी मिली जुली है। तब भी होमर द्वारा रचित इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्य की यूनानी साहित्य में बहुत प्रतिष्ठा है। शाटवेल के अनुसार यूनानियों के लिए होमर की कविताओं का वही महत्व था जो यहूदियों के लिए ओल्ड टेस्टामेंट का था। इन्होंने यूनानी बौद्धिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इतिहास लेखन की एक अन्य प्रवृत्ति के दर्शन हेसियोड की कविताओं में होता है। हेसियोड ने वीरों और देवताओं के आपसी संबंधों को प्रदर्शित करने वाली रचनाएं लिखी। वीर पुरुषों के वंशों को देवताओं से संबंधित बताने की प्रवृत्ति उसकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। उसने इतिहास की युग चक्रवादी अवधारणा प्रस्तुत की है, स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग, लोह युग। इसके अनुसार चक्रात्मक प्रक्रिया के तहत युग परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन के समान ही युग भी आते जाते रहते हैं। विद्वान कॉलिंगवुड ने हेसियोड के युग चक्रवाती सिद्धांत की आलोचना की और इसे अनैतिहासिक माना है। उसके अनुसार धार्मिक विचारों पर आधारित कथाओं में इतिहास का अंश नहीं है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में परिवर्तनकारी घटनाएं घटी। कल्पना और पौराणिकता के स्थान पर तर्क और चिंतन के आधार पर घटनाओं की व्याख्या के प्रयास किए गए। ईरानियों द्वारा यूनानियों के कुछ भाग अधीन कर लेने से दोनों संस्कृतियां निकट आई और निश्चय ही चिंतन और लेखन पर इस पारस्परिक संपर्क का प्रभाव पड़ा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी पुरोहितों, न्यायाधीशों और उच्च अधिकारियों की तालिकाओं, राजाओं की वंशावली के लेखों को संरक्षित रखने का कार्य प्रारंभ हुआ। लेखकों ने नगर निगमों, जातियों, राजवंशों और मंदिरों की परंपराओं के साथ साथ लोक प्रचलित किंवदंतियों को भी लेखबद्ध किया। परीक्षण, खोजबीन और अनुसंधान के आधार पर
इतिहास रचना की प्रवृत्ति विकसित होती गई। इस प्रवृत्ति के लक्षण निम्नलिखित इतिहास लेखकों के विवरण में दृष्टिगोचर होते हैं। हेकेटियस, इनके लेखन में परीक्षण आधारित इतिहास लेखन की विशेषताएं पाई जाती है। इसने मिस्र की यात्रा कर ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड तथा बुक ऑफ जीनियोलॉजी नामक पुस्तकें लिखीं। प्रथम पुस्तक में उसने फारस का वर्णन किया है, जबकि द्वितीय में प्राचीन वंशावली का विवेचन करते हुए कल्पित और आधारहीन प्राचीन आख्यानों की आलोचना की है। सत्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए उसने लिखा है, मैं वही लिखता हूँ जो मुझे सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि यूनानियों की अनेक कहानियाँ हैं जो मुझे हास्यास्पद लगती हैं। इसने प्राचीन आख्यानों में विद्यमान कल्पित और पौराणिक विवरणों को इतिहास में सम्मिलित नहीं किया है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। इनका इतिहास लेखन पौराणिक तथा धार्मिक होने के स्थान पर मानवतावादी प्रतीत होता है। यह कार्यों के होने के पीछे मानवीय क्रिया को स्वीकार करते हैं। इनकी प्रथम रचना यूनानी एशियाई संबंधों पर आधारित है। इस रचना में लीडिया के कोसेस के काल से लेकर यूनानियों और पारसिकों के बीच हुए संघर्ष का विवरण है। यूनानियों द्वारा पार्शियन राजा जर्गजिस को पराजित करने का वर्णन इसमें मिलता है। हेरोडोटस ने कोसेस की वंशावली, साम्राज्य विस्तार और उत्थान पतन का विवेचन किया है। कोसेस के पश्चात लीडिया पर कुरुश और कंबुजिया का अधिकार स्थापित हो गया। कंबुजिया का अधिकार एशिया और मिस्र पर हो जाने पर मिस्र से संबंधित उल्लेख भी हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ में समाहित किए हैं। कंबुजिया के बाद डेरियस और जर्जिस ने यूनान पर अधिकार करने के प्रयास किए। यूनानियों ने जर्जिस को बुरी तरह परास्त किया। हेरोडोटस के विवरण में यूनानियों द्वारा पर्शियन राजा जर्जिस की सेनाओं के विध्वंस का विवरण मिलता है। इसके साथ ही उसने भूमध्य सागरीय और एशियाई लोगों के विषय में भी लिखा है। उसने अपने लेखन में राजनीतिक वर्णन के साथ ही सामाजिक रीति रिवाज पर भी प्रकाश डाला है। इतिहास लिखते समय उसने संपर्क में आने वाले दूसरे देश के विषय में जानकारी देने की प्रवृत्ति भी उसके लेखन में विद्यमान है। इसके लेखन में शत्रु सेना की वीरता की प्रशंसा भी की गई है। मानव के द्वारा किए गए कार्यों के पीछे विद्यमान कारणों की खोज भी इसके लेख में उपस्थित है। उन्होंने यूनानी और बर्बर जातियों के युद्ध के कारण सामने लाना अपने इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य बताया है। विद्वान बर्नेज ने लिखा है, इतिहास लेखन के क्षेत्र में हेरोडोटस का यश एक रचनात्मक कलाकार के रूप में सदैव अमर रहेगा। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ में दिलचस्प कथाओं का भी समावेश है। साथ ही अन्य देशों के बारे में लिखे गए विवरण सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, इसलिए उनमें पौराणिकता और अविश्वसनीयता पाई जाती है। थुसीडाइडिस, यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा में थुसीडाइडिस का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने यथार्थ निरूपण पर बल दिया। इनके लेखन की एक अन्य विशेषता उसका वर्ण विषय पर स्वयं को केंद्रित रखना भी है। राजनीतिक इतिहास लेखन में संलग्न रहने के कारण उन्होंने सांस्कृतिक तत्वों की अपने लेखन में उपेक्षा की है। अपने ग्रंथ में लेखन प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए उसने वास्तविकता पर आधारित तथ्यों को अपने इतिहास में स्थान दिया है। उसका कथन है कि उसकी कृति पूर्ववर्ती ऐतिहासिक रचनाओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें किंवदंतियों और पुराण कथाओं को स्थान नहीं दिया गया है। इन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास लिखा है। इसमें वह अपने राज्य एथेंस के अन्य प्रतिद्वंदी यूनानी राज्यों के साथ हुए संघर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। युद्ध के आरंभ होने के पूर्व से ही
अपने ग्रंथ की रचना आरंभ कर दी थी। इन्होंने युद्ध के समय घटित घटनाओं का यथार्थ विवरण देने का प्रयास किया। एथेनियन क्रांति के विवरण को प्रस्तुत करने हेतु तत्कालीन व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया। इस अर्थ में इन्होंने समसामयिक स्रोतों का भरपूर उपयोग किया है। उसके लेखन में युद्ध के कारणों की खोज तथा एथेंस की पराजय के कारणों की व्याख्या भी प्राप्त होती है। इनका उद्देश्य अपने लेखन के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को अतीत की समस्याएं प्रस्तुत होने पर उनके समाधान में समर्थ बनाने वाली सूच प्रदान करना था। एक विषय वस्तु पर केंद्रित रहना इनकी विशेषता है। विद्वान बर्ने ने लिखा है कि उसने तथ्यों के विवरण में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में काल तथा भौगोलिक कारकों की उपेक्षा की। इसने इतिहास का क्षेत्र राजनीतिक तक सीमित करके इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भुला दिया। विद्वान कॉलिंगवुड ने हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता और थुसिडाइडिस को मनोवैज्ञानिक इतिहास का जनक माना है। थुसिडाइडिस ने यूनानी इतिहास लेखन परंपरा में नवीन आयाम जोड़े। ऐतिहासिक यथार्थता पर बल, तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण, मानवीय इच्छा की प्रबलता और समसामयिक स्रोतों के भरपूर प्रयोग ने इसके इतिहास को विशिष्टता और प्रामाणिकता प्रदान की है। पॉलीबियस। ग्रीको रोमन इतिहास लेखन में पॉलीबियस का विशिष्ट योगदान है। इन्हें रोम में इतिहास लेखन की प्रेरणा प्राप्त हुई। इन्होंने 40 जिल्दों में रोमन साम्राज्य के इतिहास और संवैधानिक विकास पर अपना ग्रंथ इतिहास लिखा। इसमें 164 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक का रोमन साम्राज्य का इतिहास सम्मिलित है। इसमें रोम और यूनान दोनों राज्यों के तथ्यपरक निष्पक्ष इतिहास की जानकारी शामिल है। ग्रंथ की 40 जिल्दों में से 5 आज प्राप्त होती हैं, जिनमें पॉलीबियस की इतिहास लेखन प्रवृत्ति पर प्रकाश पड़ता है। इनके लेखन में तथ्यों तथा सत्य पर बल मिलता है। इनका कथन है कि यदि किसी जीव की आंखें निकाल ली जाए तो वह बेकार हो जाता है, उसी प्रकार यदि इतिहास से भी सत्य को निकाल दिया जाए तो वह व्यर्थ हो जाएगा। इसने स्रोत चयन हेतु प्रयुक्त सामग्री को स्पष्ट करते हुए इतिहास लेखन की प्रवृत्ति को बताया है। साथ ही व्यक्ति, स्थान और घटनाक्रम का परिचय अपने लेखन में दिया है। इनका कथन है कि किसी नीति या व्यवस्था की सफलता असफलता के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। किसी भी घटना का केवल उल्लेख करना तो रुचिपूर्ण होता ही है, किंतु जब उसे कारणों के साथ वर्णित किया जाता है तब इतिहास का अध्ययन उपयोगी बन जाता है। यह मानते हैं कि प्रत्येक इतिहास के कुछ संभावित और असंभावित कारण होते हैं। इसने रोमन साम्राज्य के पतन का कारण रोमवासियों का विलासप्रिय जीवन बताया है। पॉलीबियस ने इतिहास की अवधारणा को सार्वभौमिक माना है। इस अर्थ में वह इतिहास को देश और काल की सीमा से परे मानवता के लिए उपयोगी अध्ययन मानते हैं। यह मानते हैं कि अतीत की घटनाओं से शिक्षा लेकर मनुष्य अपने चरित्र में सुधार कर सकता है। भाग्य के स्थान पर मानवीय इच्छा शक्ति की प्रबलता में इनका विश्वास था। यह घटना के घटित होने में मानवीय इच्छा को मान्यता देते हैं। इनके अनुसार जीवन में आने वाले सुख दुख भाग्य की अपेक्षा काल और परिस्थितियों पर आश्रित होते हैं। मानव अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा परिस्थितियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। इतिहास के युग चक्रवादी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह उत्थान, विकास, पतन और अंत को प्राकृतिक नियम पर आधारित बताते हैं। जेनोफेन। यह पौराणिक शैली में लिखे गए उम्र के ग्रंथों की आलोचना करते हैं। इसने अर्थशास्त्र, राजनीतिक, युद्ध, कृषि, व्यापार, खेलकूद, दर्शन, शिक्षा आदि विभिन्न विधाओं पर लिखा है। इनकी प्रमुख कृति एनाबेसिस है। इन्होंने हेलेनिका नामक ग्रंथ की रचना करके थुसिडाइडिस की
कृति के आगे का इतिहास लिखा। इनकी अन्य कृति वेज एंड मिंस में यूनानी राजनीति में विद्यमान आर्थिक तत्वों का विवेचन है। स्टोइक पैसोडोनियस पॉलिबियस द्वारा आरंभ की गई विश्व इतिहास लेखन की परंपरा को पैसोडोनियस ने आगे बढ़ाया। इसने 52 जिल्दों में इतिहास नामक कृति में 144 ईसा पूर्व से 82 ईसा पूर्व तक की गतिविधियों का विवरण लिखा है। इसके अतिरिक्त भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की है। स्ट्रैबो इनकी प्रसिद्ध कृति भूगोल है। इस ग्रंथ में इसने ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करते हुए पूर्ववर्ती भूगोलविदों के योगदान की चर्चा की है। इसने देश विदेश की यात्राएं कर भौगोलिक स्थलों के विषय में जानकारी एकत्र की। भौगोलिक जानकारियों के साथ यह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की भी चर्चा करते हैं। इनके ग्रंथ से भारत के विषय में भी विविध सूचनाएं मिलती है। हिस्टोरिकल मेमोरीज नामक पुस्तक में इसने सिकंदर की उपलब्धियों की चर्चा की है। निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धिक क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति के एक साधन के रूप में इतिहास नामक ज्ञान की एक शाखा की उत्पत्ति हुई। यूनानी लेखकों के काल में यह परंपरा पल्लवित होती रही। इतिहास लेखन में यूनानियों के योगदान को व्यक्त करते हुए थॉमसन ने लिखा है, यूनानियों ने सभी प्रकार का इतिहास लिखा। उन्होंने ही पहले वास्तविक इतिहास लिखने की कला सीखी, उसके उद्देश्यों, कार्यों और नियमों को प्रतिपादित किया। यूनानी विज्ञान और दर्शन की भांति इतिहास के भी जन्मदाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।